बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट एन इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम इंशाल्लाह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यानी ऐसे आलात को कहते हैं जिनसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। तो तमाम ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, इनकी मेजरमेंट के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, सच इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पुराने वक्तों में हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थे। मौजूदा दौर में क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्योंकि बहुत तरक्की कर ली है, तो हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट कर लिए हैं जिससे हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट में बहुत आसानी होती है, और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बहुत रिलायबल और बहुत एक्यूरेट होते हैं, यानी उनकी रीडिंग जो होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है। जैसे लेंथ को हम मेजर करने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मास को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक या स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी मेजरमेंट के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आज हम जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो है मीटर रूल। व्हाट इज़ अ मीटर रूल? मीटर रूल बेसिकली होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर मीटर रूल की पिक्चर देख सकते हैं कि मीटर रूल दिखने में कैसा होता है। तो मीटर रूल दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसकी जो लेंथ होती है टोटल वो कितनी होती है? 1 मीटर। और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। यानी मीटर रूल के ऊपर जो रीडिंग्स होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स तक, और हर सेंटीमीटर के को जो है वो फर्दर 10 स्मॉल डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और हर स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल होती है? इक्वल टू 1 मिलीमीटर। आप फिगर में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पर आपको सेकंड पिक्चर नज़र आ रही है उसमें बताया गया है कि हम बाय यूजिंग मीटर रूल जो है वो कैसे रीडिंग को मेजर करते हैं, या जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं या 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम कैसे रीडिंग्स जो हैं वो नोट डाउन करते हैं। तो जो हमारे पास फिगर ए गिवन है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो तरीका है रीडिंग को नोट डाउन करने का ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें क्रॉस में रीडिंग को देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। तो हमेशा आप जब भी मीटर रूल के ज़रिए से किसी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे या डिस्टेंस की मेजरमेंट करेंगे तो आप हमेशा वर्टिकली अपवर्ड जो है अपनी आइज़ को रखेंगे, और आप अपनी आइज़ को वर्टिकली अपवर्ड रख कर जो है वो रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। इस तरह से जो है आपकी रीडिंग वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अगर आप क्रॉस में दाएं या बाएं से आप रीडिंग को नोट डाउन करेंगे तो उसमें जो है वो गलती हो सकती है आपसे। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है वो हमेशा आइज़ को वर्टिकली रख कर नोट डाउन करना है बाय यूजिंग मीटर रूल। अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ को की लेंथ को मेजर करते हैं। ये आमतौर पर लेबॉरेटरी में यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबॉरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
यानी ये आमतौर पर लेबॉरेटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है। किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए? लेंथ की मेजरमेंट के लिए, यानी इससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ यानी लंबाई को मेजर करते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी बनावट क्या होती है? इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। यानी सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर। इसकी जो लंबाई होती है मीटर रूल की वो 1 मीटर होती है। मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के अंदर फर्दर डिवाइड होता है। यानी जो मीटर रूल के ऊपर रीडिंग्स होती हैं वो हमारे पास किस में होती हैं? सेंटीमीटर्स में, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर होती है और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मीटर रूल के अंदर जो है वो 0 से लेकर 100 तक सेंटीमीटर्स में रीडिंग होती हैं। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। इसके बाद जो मीटर रूल के अंदर हर सेंटीमीटर होता है उसको फर्दर 10 स्मॉल डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और हर जो स्मॉल डिवीजन होती है वो इक्वल टू क्या होती है? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम डबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो एम है मिली, ये प्रीफिक्स है, जबकि सेकंड जो एम है ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीटर रूल के ज़रिए से हम जो कम से कम लेंथ यानी कम से कम लंबाई मेजर कर सकते हैं वो कितनी कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। यानी इससे ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को हम बाय यूजिंग मीटर रूल मेजर नहीं कर सकते। हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 मिलीमीटर तक की कम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है फिर वो क्या होगा? वो होगा इक्वल टू 1 मिलीमीटर, क्योंकि हम मीटर रूल से कम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। तो इसलिए हम कहेंगे कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को कैपिटल एल कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। एल सी स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर, या हम इसे कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर्स से मिलीमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर हमें 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर छोटी यूनिट है।